बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। आपके साथ आज का जो डॉलर का और रियाल का रेट है मुख्तलिफ बैंकों के हिसाब से और आज का जो एक्सचेंज रेट रहा वो शेयर कर दूंगा मैं। मैंने सबसे पहले डॉलर रेट आपको दिखा देता हूँ, मैं आप साथ में डॉलर रेट पहले देख लें फिर ये आपको रियाल रेट भी बता देता हूँ मैं। आज का 261.50 रुपये से 266.11 रुपये यानी कि तकरीबन 4.60 रुपये 4.60 रुपये एक ही दिन में डॉलर महंगा हुआ है। ये मैं इतना करोड़ कर क्यों बोलता होता हूँ 4.60 रुपये। एक तो इसकी रीजन ये होती है कि जब कम होता है आपको भी पता है पैसों के हिसाब से या एक आध रुपए कम होता है, जब बढ़ता है फिर ऐसे ही ये बढ़ता होता है। दूसरी इसकी बात ये बोलता हूँ मैं कि भाई इसी चीज से यानी कि डॉलर से हर एक चीज के ऊपर असर पड़ता है और हर एक चीज महंगी होती है। मिसाल के तौर पर ये जो वॉच आप देख रहे हैं, ये वॉच अगर आपको मिल रही है, यहाँ पाकिस्तान की बात कर रहा हूँ, मैंने तो वैसे सऊदी से परचेज की थी, अगर आपको मिल रही है 2700 रुपए की तो अभी ये आपको 3000 की मिलेगी जब डॉलर महंगा होगा। 5-10 रुपए ही महंगा हो इतना फर्क पड़ जाएगा। वैसे इलेक्ट्रॉनिक्स मोबाइल वगैरह का रेट पाकिस्तान में इस वक्त काफी हाई हो चुके हैं। मेरे पास इस वक्त ये एक पड़ा हुआ है जी, आपको जो वीडियो में ये भी बताता चलूँ, देख लें जी, वीवो V23 या आई नहीं है, V23 है, ठीक है। ये 1,00,000 रुपए का मैंने परचेस किया था, 6 माह हो गए, अभी 1,40,000 का हो गया। कभी ऐसा हुआ था आप खुद समझदार हैं कि पाकिस्तान में मोबाइल को जो न्यू मॉडल आया है वो 6 माह बाद मजीद महंगा हो जाए। सस्ते ही होते हैं मोबाइल, सऊदी में ऐसे ही होता है, लेकिन ये 1,40,000 तक पहुंच चुका है अभी। बहरहाल जी, अगर रियाल रेट के मुतालिक बात करें तो मैंने जैसा कि पिछली वीडियोज में आपको बताता आया हूँ कि भाई अभी भेज लें, जब 70 रेट था तो बेस्ट है, वरना ये कुछ दिन अगर आप रोक कर रख सकते हैं तो रोक लें, कुछ दिन बाद ये मजीद अप होगा। तो वही चीज है जी, आज जो रियाल रेट का रेट है वो 70.90 रुपये है, ये एक्सचेंज रेट है और पाकिस्तान में इस वक्त आज 73 से 74 के अराउंड में पहुंच चुका है। आने वाले कल में ये मजीद बढ़ेगा और बैंकों के हिसाब से इसका जो भी रेट है वो आपके साथ में शेयर कर देता हूँ मैं। एक चीज और आपको वाजह कर दूं कि अगर आप अभी भेजना चाह रखे हैं अभी भी भेज सकते हैं, लेकिन मेरा आपको मशवरा ये होगा जी कि अभी वेट करें कुछ दिन, मैं किसी वीडियो में जिक्र कर दूंगा। बहरहाल जी, मुख्तलिफ बैंकों के हिसाब से अगर रेट की बात करें, ANB बैंक की बात करेंगे सबसे पहले, यानी कि टैली मनी की करें, आज का 70.02 रुपये हो चुका है, 15.17 रियाल इनकी फीस होती है। मनीग्राम की बात करेंगे तो आपको 69.78 रुपये रेट मिल जाएगा आज का, 23 रियाल इनकी फीस होती है। 10-20-30 पैसे तक का फर्क होगा जो मैं रेट बताता हूँ, ऐसा नहीं होगा। मैं आपको मिसाल के तौर पर अभी राजीव बैंक का आज का रेट है जी 69.75 रुपये और वहां पर आप जाएंगे आपको 67 मिलेगा, ऐसा नहीं होगा इंशाल्लाह। हाँ, 10-20 पैसे का आगा पीछा हो जाता है। अच्छा जी, वेस्टर्न यूनियन की बात करें तो आपको 69.72 रुपये 23 रियाल इनकी भी फीस है जी। राजीव बैंक मैंने आपको बता दिया है। STCB की बात करेंगे तो आपको 69.83 पैसे रेट मिलेगा आज का, 23 रियाल इनकी भी, 17.23 रियाल फीस होती है। बैंक जजीरा की बात करें तो आपको 69.49 पैसे रेट, 10-17 रियाल फीस के साथ। इंजाज बैंक की बात करें तो आपको 69.65 पैसे आज का रेट, 10-17.25 रियाल फीस के साथ। और अगर क्विक पे की बात करें तो क्विक पे आज का रेट दे रहा है जी 69.92 रुपये यानी कि 10-17 रियाल फीस, यानी कि ओवरऑल अगर बात करें कल तक ये 70 रुपए प्लस में बैंकों में भी रेट चला जाएगा और आने वाले दिनों में यानी कि एक हफ्ता में मजीद ये ऊपर जा सकता है।